तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल उषा की किरण में। दोस्तों आज दोस्तों आपके लिए खास वीडियो लेकर के आए हैं, जहां पर महिंद्रा ने अपनी नई वीरो को लॉन्च किया है चाकन प्लांट पुणे के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस गाड़ी के बारे में तमाम सारे फीचर्स के बारे में जानकारी दूंगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। दूसरा दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब इन गाड़ियों के साथ में ड्राइवर का कंफर्ट सेफ्टी को काफ़ी इन्हेंस कर दिया है। जैसा कि कारों के अंदर जो फीचर्स मिलते हैं, कम्फर्ट मिलते हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाने वाले हैं। तो हम बात करेंगे हर चीज़ के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आप गाड़ी का फ्रंट देखें, आप कितना यहाँ पर जो है इन्हेंस करेगा आपके रोड प्रेजेंस को। ये कलर आप मेरे पास में देखें, दूसरा एक आप साइड में वाइट कलर के अंदर भी देख सकते हैं। इस गाड़ी को दोस्तों कंपनी के द्वारा डीजल सीएनजी इन दोनों ही मॉडल के अंदर वेरिएंट्स के अंदर लॉन्च किया है। आने वाले समय के अंदर इलेक्ट्रिक मॉडल भी आने की संभावना बहुत जल्दी रहेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले वीरो की ब्रांडिंग है, आर इसका जो है आपको गोल्डन कलर के साथ में दिया है। काफ़ी सुंदर आपका फ्रंट है, महिंद्रा का लोगो है, काफ़ी बड़ा इसका जो है विंडशील्ड एरिया है पूरा एरोडाइन, जिससे कि गाड़ी चलाते समय आपका जो हवा है उसका भी कटाव अच्छे से होगा, ड्राइवर को दिखाई भी अच्छे से देगा। इस बड़ी विंडशील्ड को क्लीन करने के लिए दो वाइपर दिए हैं और बिल्ट क्वालिटी भी काफ़ी मजबूत लग रही है। यहाँ पर आप देखेंगे लाइट का जो ये कंसोल है, जहाँ पर आपका हेलोजन बेस्ड हेडलाइट है, यहीं पर आपका टर्न इंडिकेटर है। ये भी एक नया लुक कंपनी ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है इस गाड़ी के साथ में, जो कि गाड़ी के फ्रंट को काफ़ी इनहेंस करने वाला है। ये आप देखेंगे वीरो की ब्रांडिंग, जहाँ पर आपको लगानी है नंबर प्लेट। फिलहाल तो ये मॉडल नेम यहाँ पर लगा हुआ है। ये पूरा फाइबर का पोर्शन है और यहाँ पर आप लगाना चाहें तो एडिशनली फोग लैंप भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो काफ़ी शानदार इसका आपको जो है फ्रंट दिखाई दे रहा है। गाड़ी के अंदर भी काफ़ी कंफर्ट और काफ़ी स्पेशियस केबिन गाड़ी के अंदर दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम गाड़ी के चारों तरफ की बात कर लेते हैं। दोस्तों साइड में आप देखेंगे आपको वीरो की ब्रांडिंग यहाँ पर मिलेगी, आर यहाँ पर भी आपको गोल्डन कलर के साथ में दिया है। काफ़ी सुंदर ये ORVM है, कारों के जैसा बना दिया है भाई पूरा कंफर्टेबल गाड़ी को। काफ़ी नए आपको इसके डोर ओपनिंग ये जो है हैंडल वगैरह दिए हैं, लीवर दिए हैं, साइड में आपका टर्न इंडिकेटर है। 15 इंचेज के काफ़ी बड़े इसके अंदर आपको टायर दिए हैं, जिससे कि आप किसी भी तरह के ऊबड़ खाबड़ कच्चे पक्के रास्ते में आसानी से लेके जा सकते हैं। और दोस्तों ये जो गाड़ियां हैं काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट भी हैं, क्योंकि इनके अंदर जो इंजन दिया है ना वो काफ़ी रिफाइंड है, जिससे कि आपको माइलेज भी अच्छा मिलेगा। अगर हम इसके माइलेज के बारे में जानकारी दें तो 18.4 किलोमीटर के आसपास की आपको जो है रेंज मिल जाएगी 1 लीटर डीजल के साथ में। और अगर आप इसके CNG मॉडल को खरीदेंगे तो वहाँ पर आपको लगभग 19.5 किलोमीटर के आसपास की रेंज मिलेगी 1 kg CNG के साथ में। तो दोस्तों ये तो था माइलेज। अब हम बात करते हैं इसके डेक लेंथ एरिया के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दो डेक लेंथ एरिया जो है देखने के लिए मिलेंगे, 9 फिट और 10 फिट, 9 फिट और 10 फिट डाले के साथ में ये गाड़ियाँ आएंगी, जहाँ पर आपको ये स्टैंडर्ड डाला मिल जाएगा। दूसरा आप चाहें तो इसका HD जो वेरिएंट आता है उसके अंदर भी आप इस गाड़ी को जो है ख़रीद सकते हैं। आगे की साइड में आपको यहाँ पर जो है गाड़ी के अंदर 5 कमानी पट्टे दिए हैं, यानी कि लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन दिए हैं, जिससे कि अच्छी खासी आपको कम्फर्ट मिलेगी केबिन के अंदर। लोड कैरिंग कैपेसिटी आपको अच्छी मिलेगी। तो पीछे की साइड में आपको यहाँ पर 8 कमानी पट्टे दिए हैं, साथ ही आपको यहाँ पर जो है दोस्तों एंटी रोल बार जैसी सुविधाएं भी दी हैं, जिससे कि गाड़ी को चलाना काफ़ी सेफेस्ट हो जाता है, काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। तो दोस्तों ओवरऑल ये गाड़ी थी और अब मैं आपको केबिन दिखा देता हूँ गाड़ी का। तो दोस्तों सबसे पहले आप केबिन का स्पेस देखा, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है। ड्राइवर के साथ साथ 2 लोगों की बैठने की व्यवस्था आपको इस केबिन के अंदर मिल जाने वाली है। काफ़ी अच्छी सीट है, जहाँ पर आपको हेडरेस्ट वगैरह भी दिया है ड्राइवर के कम्फर्ट के लिए। और दूसरा दोस्तों ड्राइवर की सेफ्टी को एनहेंस कर दिया है कारों के जैसा, जिसके अंदर आपको यहाँ पर एयर बैग भी दिया है। इनकेस कभी इमरजेंसी होती है तो हमारा ड्राइवर सेफ रहे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एयर बैग दिया है। वॉक थ्रू स्पेस है केबिन के अंदर, इस साइड से उस साइड आप आसानी से निकल सकते हैं। डोर की ओपनिंग भी आप देखेंगे ना काफ़ी वाइड है, तो गाड़ी के अंदर एंट्री लेना काफ़ी कंफर्टेबल है, क्योंकि दोनों ही साइड में आपको यहाँ पर जो है ग्रैब हैंडल दिए हैं, इनको पकड़ करके आप आसानी से अंदर चढ़ सकते हैं। डैशबोर्ड माउंटेड आपको इसका जो है ये गियर शिफ्ट लीवर दिया है। 5 स्पीड के साथ में आएगी हमारी नई वीरो और माइलेज के हिसाब से दोस्तों मैंने आपको बताई दिया काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट है। ऊपर आप देखेंगे केबिन के अंदर आपको LED वाली लाइट दी है वाइट कलर की, जो कि काफ़ी सुंदर है। और ये सनवाइजर वगैरह दिए हैं, IMEX टेक्नोलॉजी मिल जाती है दोस्तों आपको यहाँ पर इन गाड़ियों के साथ में, जिससे कि आप अपनी गाड़ी को ट्रेस कर सकते हैं, कहाँ पर आपकी गाड़ी चल रही है, क्या रोड ट्रिप वगैरह सारी की सारी चीज़ों का आप प्लान कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों गाड़ियों के ऊपर आपको एक अच्छी खासी वारंटी पीरियड भी यहाँ पर मिल जाता है। रोड साइड असिस्टेंस आपको फ्री मिलेगा 1 साल के लिए। पीछे की साइड में आपको एक विंडो भी दिया है, जिससे कि कभी आपको हवा वगैरह लेनी है तो आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैं डैशबोर्ड दिखाना चाहूँगा दोस्तों, आप देखेंगे इसका डैशबोर्ड, जरा पास आकर के दिखाओ दोस्त। यहाँ पर आपको एयर कंडीशन ये मिल जाएगा इसके अंदर, कारों के जैसा पूरा डैशबोर्ड है दोस्तों। आप देखेंगे
या आपको इसके अंदर जो है यहाँ पर ग्लोव बॉक्स भी दिया है सामान रखने के लिए, तो काफ़ी अच्छी खासी जगह है। यहाँ पर आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। नीचे की साइड में भी आपको एक डबल ग्लोव बॉक्स दिया है जिसके अंदर आप लॉक कर सकते हैं मोबाइल को चार्ज करने का ऑप्शन। USB-C टाइप सारे के सारे ऑप्शन दे दिया है। पावर विंडो दे दिया है दोस्तों इसके अंदर आपको। ये आपका पार्किंग ब्रेक लीवर हो गया, और ये आपको दोस्तों जो अपने स्टेयरिंग के ऊपर जो कंट्रोल्स आते हैं कारों के अंदर, वो सारे के सारे कंट्रोल जैसे फीचर आपको यहाँ पर दिए हैं। आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। और ये हो गया आपका नया इस गाड़ी का इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, जो कि मैं आपको थोड़ा ऑन करके दिखाना चाहूँगा। इसके ऊपर दोस्तों आपको डिजिटली तमाम सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो ये काफ़ी नया डैशबोर्ड है, काफ़ी नया इसके अंदर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है। ये महिंद्रा का जो है IMX टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पर मिली जाती है। केबिन के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स दिए, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि नया आपको इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मिल जाने वाला है यहाँ पर। ये आपका यहाँ पर 10.25 इंचज़ का यहाँ पर जो है इसके अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसके अंदर आप अपना म्यूजिक वगैरह है तमाम सारी चीज़ों का एक्सेस कर सकते हैं। IMX टेक्नोलॉजी वगैरह भी आपको यहीं मिल जाएगी देखने के लिए। और इसकी जो ये सीट है दोस्तों, इसको जो है आप यहाँ से आगे पीछे करके आप अपनी कदकाठी के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस गाड़ी की सीट के अंदर आपको यहाँ पर जो है इस तरह से फोल्ड करने का भी प्रोविज़न मिल जाता है, जिससे कि आप यहाँ पे चाहें तो सो भी सकते हैं। भाई इसको निकालना है, आप आराम से इसको मिला करके सो सकते हैं। ये वाली सीट भी फोल्ड हो जाती है, ये वाली भी हो जाती है, यानी कि अगर आप कभी थक जाते हैं तो आप यहाँ पर जो है आराम से सो भी सकते हैं। तो दोस्तों ये गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी हैं, फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियाँ रहेंगी। और अब ज़रा मैं इनकी कीमतों के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूँ। तो आपके शहर और राज्य में टैक्सेस वगैरह अलग हो सकते हैं, कीमतें भिन्न हो सकती हैं। बाकी गाड़ियों की जो कीमत है वो 7.99 लाख से स्टार्ट होकर के 9.956,000 के आसपास इनकी कीमतें यहाँ पर रखी हैं, जिसके अंदर आपके तीनों ही जो वेरिएंट्स हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये हमने आपको टॉप मॉडल दिखाया था, इसका बेस मॉडल अगर आप परचेज़ करेंगे तो वहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी कम हो जाएंगी। बाकी टॉप मॉडल के अंदर जो चीज़ें मिल रही हैं, ये सारे के सारे कम्फर्ट फीचर आपको यहीं पर देखने के लिए मिलेंगे, जिसके अंदर आपका एयर कंडीशन हो गया, एयर बैग हो गया ड्राइवर की सेफ्टी के लिए, और IMX हो गया। तो वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। अगर दोस्तों आप इसके और डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो ऊषा की किरण को अभी सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो ऊषा की किरण फेसबुक पेज को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज ऊषा की किरण पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके कोई सुझाव है तो बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।